इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन हाउ टेकिंग अप्रोप्रिएट और बेटर फाइनेंसिंग डिसीशन कैन हेल्प ऑफ फॉर्म इन क्रिएटिंग वैल्यू सो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना या कैपिटल स्ट्रक्चर को के अंदर क्या कॉम्बिनेशन के साथ आप एकटी लेने जा रहे हैं और डेट लेने जा रहे हैं ये डेंजरस भी हो सकता है किसी भी फॉर्म के लिए ख़तरनाक भी, भी हो सकता है और फ़ायदेमंद भी हो सकता है अगर आपने उसको बहुत मुनासिब तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है बाय कंसिडरिंग के हमारे फर्म के लिए जो इनकम टैक्स की पॉलिसी है वो क्या है इसके प्रोडक्ट्स के लिए या जो आप मार्केट में बेचने वाले हैं इसके जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं वो किस नौत के हैं और उसके लिए हम और ये भी देखते हैं कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अगर इन तमाम अवामिल को अच्छी तरीके से असेसमेंट करके कंसिडर करके फिर कैपिटल स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया जाए कि एक्विटी और डेट का क्या कॉम्बिनेशन होगा तो ये मददगार हो सकता है कि आप अपनी जो ओवरऑल कॉस्ट है या रेगुलेशंस के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफ़ाइन हुए हुए हैं वो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना कर सकें अगर आप बहुत बेहतर तरीके से इन तमाम चीज़ों का पहले से अंदाज़ा लगा के अपने फॉर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं तो उससे ना सिर्फ आपको अपनी ओवरऑल कॉस्ट को कट करने में मदद दे मदद मिल सकती है आप रेगुलेशंस के जो नेगेटिव इफेक्ट है कोई नुकसान है उसको भी आप कम कर सकते हैं सो so, एक तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा दूसरा आपको जो फायदा मिलने वाला है दैट इज कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन इस तरीके से करें कि आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड द डिसशन मेकरस वो कम अज कम हो तो अगर आपने मुनासब तरीके से इन तमाम चीज़ों को पहले से अंदाज़ा लगा के डिफाइन किया है अपना कैपिटल स्ट्राक्च्योर तो उससे जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द वेरियस स्टेक होल्डर दैट कैन ऑल्सो भी रिड्यूस्ड दर्ड एडवांटेज विच यू कैन गो फॉर बाई फॉलोइंग बाई डेवलपिंग अ गुड और अ मोर कॉम्प्रिहसीव एंड अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज दैट यू कैन प्रोवाइड द स्टेक होल्डर विद डिट फाइनेंशियल आप उनको ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉरचुनिटीज ऑफर कर सकते हैं आप मुख्तलिफ तरह के फाइनेंशियल ऑफर कर सकते हैं उनको ताकि वो फाइनेंशियल एसेट्स को के टर्म्स एंड कंडीशन ज्यादा बेहतर को कंसिडर करते हुए वो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें तो अगर आपने मुनासिब तरीके से अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन की है तो उससे आपको बहुत से मुख्तफ तरह के फ़वाद हासिल हो सकते हैं किसी भी बिज़नेस एंटिटी को जो अपने कॉस्ट को कट कर सकता है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इंटरेस्ट के जो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में उनको मिनिमाइज किया जा सकता है और इसके अलावा एक और अगर आपने स्मार्टली कैपिटल स्ट्रक्चरिंग की हुई है तो आप मुख्तलिफ तरह के इन्वेस्टमेंट अपॉरचुनिटीज मार्केट में दे के इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स के साथ में आ, से अपना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आप अपने बिजनेस को ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो और फ्लरिश कर सक